Hello everyone, I am Archana Pandey. Today in this lecture, I'll cover the topic that is heinous crime and capital punishment. This is a very hot topic, very relevant topic, and it is debatable all over the world. Before we move ahead, let's see how this topic is relevant for our exams. So it is not just important for our PT and mains, but it is equally important for our ethics paper, for essay, and for interviews also. So you can see कि आपके exam के सारे steps के लिए topic relevant हो जाता है. साथ में अगर हम समझें तो capital punishment का जो topic है वो सभी normative political values को भी touch करता है. ठीक है, तो चाहे वो पॉल साइंस के ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हो या किसी का पॉल साइंस सब्जेक्ट हो, सभी लोगों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसके अलावा जो लोग भी ये लेक्चर देख रहे हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया होने की वजह से हमें अपने सोशल इश्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज, ये जानना आवश्यक है. ठीक, तो देखिए, इस टॉपिक को हम कुछ हेड्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को आगे हम बढ़ाएंगे. ठीक है, सो लेट्स सी. फर्स्ट पॉइंट विल बी व्हाट इज कैपिटल पनिशमेंट. व्हाट इज कैपिटल पनिशमेंट, व्हिच क्राइम इंटेल्स कैपिटल पनिशमेंट, एंड नेक्स्ट वी विल सी and discuss about the gang rape in Silhet, Bangladesh and capital punishment. So, Bangladesh में gang rape होता है, उसके बारे में हम देखेंगे. Third, we will cover legalization in favor of victims. ठीक है, देखिए, death जो capital punishment है या death punishment है, उसको legalize कर दिया गया है Bangladesh में. ठीक है, rape के case में. ठीक है, तो इसको हम cover करेंगे. नेक्स्ट वी विल सी व्हाई कैपिटल पनिशमेंट. कैपिटल पनिशमेंट क्यों. ठीक है, आगे देखेंगे डेथ पेनालिटी एंड आर्टिकल 21. डेथ पेनालिटी एंड आर्टिकल 21. ठीक है, इसके बाद हम कवर करेंगे व्हाट हैज द सुप्रीम कोर्ट रूल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डेथ सेंटेंस. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रूल है डेथ सेंटेंस के केस में. ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूटी है इसकी, ये हम कवर करेंगे. नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा होगा व्हाट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस. ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस. ठीक है, ये क्या है इसको हम देखेंगे. नेक्स्ट हेड में हम कवर करेंगे लॉज अदर देन द आईपीसी फॉर कैपिटल पनिशमेंट. ठीक है, इंडियन पीनल कोड के अलावा कौन कौन से लॉज हैं कैपिटल पनिशमेंट के रिगार्डिंग, उसको हम समझेंगे. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ कैपिटल पनिशमेंट. आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर. ठीक है, एंड लास्ट जो हमारा हेड होगा वो होगा आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट, इन सपोर्ट ऑफ कैपिटल पनिशमेंट. ठीक है, तो इन सारे हेड्स को वन बाय वन करके इस टॉपिक को हम कवर करेंगे. एंड आई विल मेक श्योर कि आपको किसी दूसरे वीडियो में हंट नहीं करना पड़ेगा इस टॉपिक के लिए, सारी चीजें कवर की जाएंगी. ठीक है, चाहे उसकी संवैधानिकता हो या इश्यूज हो, क्या इश्यू चल रहे हैं, करंट के क्या इश्यू हैं, कितनी कंट्रीज ने लीगलाइज किया है इसको, कितनी कंट्रीज इसको बैन कर रही हैं. ठीक है, यूएन का क्या कहना है, एनजीओ का क्या कहना है. ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे कवर की जाएंगी. नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए पहला जो हेड हमारा है वो है व्हाट इज कैपिटल पनिशमेंट. ठीक है, क्या है कैपिटल पनिशमेंट. ठीक है, देखिए जब किसी व्यक्ति को कानूनी तौर पर न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा किसी अपराध के लिए प्राणांत दिया जाता है तो उसे कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट. ठीक है, तो क्या करते हैं इसको, प्राणांत. न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा किसी के प्राण का अंत कर दिया जाए तो उसको कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा. ऐसा नहीं पॉसिबल है कि अगर आप कहें कि मेरे साथ गलत हुआ है और मैं इसका प्राणांत कर दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है.
कानूनी तौर पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, कानूनी तौर पर न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। अब देखिए कैपिटल पनिश को हम मृत्युदंड भी कहते हैं, मृत्युदंड, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डेथ पेनालिटी, ठीक है। इसी को हम कहते हैं फ्री एग्जीक्यूशन, फ्री एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो कैपिटल पनिशमेंट को ये सब जो है इनके इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कैपिटल पनिशमेंट ऑल्सो कॉल्ड द डेथ पेनालिटी, दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ एन अफेंडर सेंटेंस टू डेथ आफ्टर कन्विक्शन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा उसको कन्विक्ट कर दिया जाए, ठीक है, किसी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए, किसी दंड, किसी अपराध के लिए उसको क्या कर दिया जाए, कन्विक्ट कर दिया जाए। इट इज द हाईएस्ट पेनल्टी अवॉर्डेड टू एन अक्यूज्ड, ठीक है। इससे बड़ा और कोई दंड नहीं हो सकता, जब किसी के प्राणों का ही अंत कर दिया जाए उससे बड़ा क्या दंड हो सकता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा जो है दंड होता है। एंड एक्सट्रीमली सीवियर केस में ही, जैसे मर्डर हो गया या रेप हो गया, तो इस केस में ही हम कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए डेथ पेनाल्टी इज सीन एज द मोस्ट सुटेबल पनिशमेंट एंड इफेक्टिव डिटरेंट फॉर द वर्स्ट क्राइम, ठीक है। सबसे जो जो क्राइम, वर्स्ट क्राइम होते हैं उनके लिए कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, सुटेबल पनिशमेंट मानते हैं और इसको डिटरेंस की तरह यूज करते हैं, ठीक है। डिटरेंस मतलब होता है कि अगर कैपिटल पनिशमेंट दे दिया जाए तो और जो बाकी के क्रिमिनल्स हैं वो देख के डर जाएंगे और वो क्राइम नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए मॉरेलिटी की बात करें तो क्या ये मॉरेली जो है सही है, नैतिक तौर पर क्या है ये कैपिटल पनिशमेंट सही है या गलत है, तो ये देखिए ये डिबेटेबल है, ये बहुत ज्यादा जो है डिस्कशन में रहता है, डिबेट में रहता है। कि क्रिमिनोलॉजिस्ट जो होते हैं, सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट जो है इसको एबॉलिश कर देना चाहिए, डेथ पेनल्टी खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से कि ये जो डिटरेंट कोई क्रिएट नहीं करता है इसलिए कैपिटल पनिशमेंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे नाउ व्हाट इंटेल्स कैपिटल पनिशमेंट, क्या है कैपिटल पनिशमेंट। तो देखिए जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, इन इट्स वेरी रिसेंट रिपोर्ट रिकमेंडेड स्विफ्ट ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इन ऑल केसेस एक्सेप्ट, किस केस में, सिर्फ टेररिस्ट रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं या वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, इन दोनों के अलावा जो हमारी लॉ कमीशन है, ठीक है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कहती है कि सारे केसेस में इसको हम हमें हटा देना चाहिए, सिर्फ टेररिस्ट टेररिज्म के केस में, या फिर अगर कोई जो है वेर वो जो है आपका वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, स्टेट के अगेंस्ट अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करता है, इन दो केस को छोड़ के सारे केसेस में कैपिटल पनिशमेंट को हटा देना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, नेक्स्ट देखते हैं, अ गैंग रेप इन सिलहट, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम इसको कवर करेंगे, सिलहट में गैंग रेप की बात करेंगे। देखिए बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी जिले में एक बारबेरिक इवेंट होता है, एक घटना सामने आती है, यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की को बहुत ही इनह्यूमन वे में ले जाया जा रहा था, ठीक है। अब अगर हम मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें, तो उनके हिसाब से ये है कि जो पीड़िता थी उनके साथ 1 साल से ज्यादा बलात्कार किया जा रहा था, ठीक है। तो ये जो है प्रॉब्लम थी सिलहट में, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा आउटरेज होता है, ठीक है। सेवरल जो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो रूलिंग पार्टी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, रूलिंग पार्टी के स्टूडेंट्स कई सारे होते हैं जो इस केस में जो है शामिल होते हैं, ठीक है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और एंड चार्ज विद गैंग रेप अ वुमेन इन नॉर्दर्न सिलहट, ठीक है। तो एक जो है वुमेन से गैंग रेप के केस में इनको क्या कर देता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। द प्रोटेस्ट अगेन रेप फर्स्ट स्टार्टेड ऑन द सोशल मीडिया विद यूजर्स ब्लॉकिंग देयर प्रोफाइल फोटोज, ठीक है। सोशल मीडिया देखिए एक बहुत बड़ा माध्यम हो जाता है, किसी भी बहुत आउटरेज लोग अपना वहां पे जाके व्यक्त कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अगर उनको कोई चीज ऐसा है कि जुडिशरी के सामने लेके आना है, गवर्नमेंट के सामने लेके आना है, तो सोशल मीडिया आजकल एक बहुत बड़ा मीडियम हो चुका है। तो यही जो है इसका यूज जो है बांग्लादेश में भी किया जाता है, वो अपने प्रोफाइल पिक्चर को ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज्ड फॉर द ऑर्गेनाइज ह्यूमन चेन्स, ठीक है, ह्यूमन चेन ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रोटेस्ट रैलीज की जाती हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन किए जाते हैं ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। ढाका में बहुत सारी विमेन्स, बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स बिल्कुल सड़कों पे उतर आते हैं और वो डिमांड करते हैं स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट की, ठीक है, गैंग रेप के केस में। नेक्स्ट देखते हैं,
देखिए यहाँ पे लोग बिल्कुल सामने आ गए हैं, सड़कों पे आ गए हैं, और देखिए इनका क्या कहना है, डोंट लॉक अप योर डॉटर्स, रेज योर सन्स टू बी ह्यूमन। ठीक है, ये जो है लोगों का कहना है। ठीक है, वीडियो के सामने आते ही लोग भड़क उठे, जो कन्विक्ट्स हैं, जो दोषी थे, उनको फांसी की सजा के लिए डिमांड करना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, कैपिटल ढाका में महिला जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। ठीक है, तो ये सारी बातें समझते हुए जो वहां की गवर्नमेंट थी उनका क्या एक्शन था उसको हम देखेंगे। देखिए हेड हमारा क्या है, बांग्लादेश कैबिनेट अप्रूव टू इंट्रोड्यूस द डेथ पेनल्टी रेप इन केस ऑफ रेप। ठीक है, क्या है, तो ये आउटरेज को देखते हुए सरकार ने अब रेपिस्ट के लिए मौत की सजा पर मुहर लगा दी है। ठीक है, अब देखिए जहां पे अगर हम देखें कि जो कंट्रीज हमारी हैं और सारी कंट्रीज हैं, धीरे धीरे जो ये रेप के केस में या किसी भी केस में डेथ पेनालिटी को हटा रही हैं, उसको खत्म कर रही हैं, धीरे धीरे फेज आउट कर रही हैं। लेकिन अगर हम देखें तो बांग्लादेश ने अभी रेप के लिए डेथ पेनाल्टी को जो है लगा दी, अगर कोई इस तरीके का क्राइम करता है तो उसको डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। ठीक है, आपका क्या कहना है, बांग्लादेश का ये मूव कैसा था, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देखिए बांग्लादेश के कानून मंत्री अनिसुल हक ने ये कहा कि पीएम शेख हसीना की अध्यक्षता में जो कैबिनेट है उन्होंने रेप के लिए मौत की सजा का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है कि डिमोन्स्ट्रेटर्स क्या कहते हैं, हैंग द रेपिस्ट एंड नो मर्सी टू रेपिस्ट। ठीक है, रेपिस्ट को हैंग किया जाए और उनके लिए कोई भी दया दिखाया ना जाए। ठीक है, क्या देखिए यहाँ पे जो बांग्लादेश है यहाँ पे पहले ही रेप के लिए लाइफ टाइम रिग्रेस इंप्रिजनमेंट पहले ही था। ठीक है, लेकिन इसको जो है अमेंड किया जाता है और अमेंड करके जो लाइफ टाइम रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है उसको कन्वर्ट किया जाता है कैपिटल पेनाल्टी में। ठीक है, अब देखिए कंप्लीटिंग रेप ट्रायल्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम एज वेल, ये जो है उनका शेख हसीना जी का कहना है, बहुत अच्छा मूव है। ठीक है, कि ये जो रेप केस है उनके लिए फांसी तो दी ही जाएगी लेकिन साथ में जो टाइम विद इन टाइम फ्रेम में आप इन केसेस का निपटारा करें ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मुस्लिम मेजोरिटी नेशन कॉलिंग फॉर मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर द प्रिपरेटर्स ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, जो सेक्सुअल असॉल्ट के प्रिपरेटर्स हैं, जो जो रेपिस्ट हैं उनको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दिया जाए, ये सारे लोग बांग्लादेश में सारे सारे लोग एक तरफ से यही जो है उनकी डिमांड थी। ठीक है, तो क्या था, स्टिफर पनिशमेंट फॉर रेप, दूसरा है फास्टर ट्रायल्स फॉर रेप्स एंड एंड व्हाट दे सी एज द कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी। तो ये सारे डिमांड्स थे, ये सारे डिमांड्स थे। ठीक है, इम्प्यूनिटी क्या होता है, इम्प्यूनिटी मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। ठीक है, तो इम्प्यूनिटी ना मिले उनको, ऐसा ना हो कि वो पनिशमेंट जो है उससे जो है स्केप कर जाए, बच जाए, तो उनको कोई फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए, कोई इम्प्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए इस जघन्य अपराध के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से न्यूज़पेपर में ये सारा जो है आपका ये पूरा केस सामने आया था, बहुत ही जघन्य अपराध था ये। ठीक है, आपका क्या व्यू है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बांग्लादेश का जो स्टेप रहा है वो उसके बारे में आप क्या कहते हैं। ठीक है, सो कैपिटल पनिशमेंट, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट क्यों, किसी की लाइफ को छीन लेना ये कहां तक सही है। ठीक है, लाइफ का अंत कर देना ये कहां तक सही है, ये क्वेश्चन है। तो कैपिटल पनिशमेंट रिमेन्स एंड विल रिमेन अ हॉट टॉपिक अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, इस पर डिबेट और डिस्कशंस हमेशा से होते आए हैं कि कैपिटल पनिशमेंट को कंटिन्यू रखना चाहिए या इसको हमें खत्म कर देना चाहिए। सो इट इज नॉट वेरी इजी टू रीच ऑन अ कंसेंसस ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है इतना डिबेटेबल है, इस पे कंसेंसस पे पहुंचना इतना इजी नहीं है। कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने कैपिटल पनिशमेंट को एबॉलिश कर दिया है, कुछ कंट्री ने नहीं एबॉलिश किया है। अगर इंडिया का स्टैंड देखें तो इंडिया इज अमंग द कंट्रीज वेयर द डेथ पेनाल्टी एग्जिस्ट बट नाउ ओनली फॉर द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। देखिए इसके पहले ऐसा नहीं था, जब इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का कोई क्राइटेरिया है और उसी केस में हम कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं। तब कैपिटल पनिशमेंट इन जनरल किसी केस में ऐसे अगर आप लगता है कि केस सीरियस है तो उसको कैपिटल पनिशमेंट दे दिया जाता था।
लेकिन अब स्टैंड क्या है? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, ठीक है, इसी केस में हम कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया ओवरव्यू, ठीक है, इंडिया का क्या व्यू है कैपिटल पनिशमेंट के बारे में, ये हम समझेंगे पूरी तरीके से। देखिए, इंडिया रिटेन्स कैपिटल पनिशमेंट फॉर अ नंबर ऑफ सीरियस ऑफेंसेस, ठीक है, अगर कोई जघन्य अपराध होता है तो उस केस में इंडिया जो है कैपिटल पनिशमेंट रिजर्व करती है, इंडिया कहती है कैपिटल पनिशमेंट उस केस में दिया जा सकता है। देखिए, जो कैपिटल पनिशमेंट होता है ये हमेशा एग्जीक्यूशन में नहीं बदलता है, एग्जीक्यूशन मतलब होता है उसको सेंटेंस, उसको फांसी पर नहीं लटका दिया जाता है, बल्कि इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा होती है कि इसको कम्यूट कर दिया जाए लाइफ इंप्रिजनमेंट, यानी कि आपका अगर कैपिटल पनिशमेंट है तो इसको जो है कम्यूट मतलब इसको जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, लाइफ इंप्रिजनमेंट में, ठीक है, आजीवन कारावास में हम इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं कैपिटल पनिशमेंट को। कौन करता है? गवर्नर करते हैं या फिर प्रेसिडेंट करते हैं, ये आप कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, ये पीटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और कौन से आर्टिकल में ये है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो कैपिटल पनिशमेंट को कम्यूट करके लाइफ इंप्रिजनमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ पीपल एग्जीक्यूटेड इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस इज 1947 इज मैटर ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, क्यों डिस्प्यूट है? तो देखिए 1947 से जो ऑफिशियल डाटा की बात करें तो देखिए ऑफिशियल डाटा हमारा गवर्नमेंट का ये कहता है कि सिर्फ 60 लोगों को हम एग्जीक्यूट हमने किया है इंडिया में, ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस 1947 से, ठीक है, सिर्फ 60 लोगों को। बट ऐसा है नहीं, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, इनका जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन जो दिया है, ठीक है, कहां से? फ्रॉम अपेंडिक्स 34 ऑफ द 1967 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। अगर ये रिपोर्ट हम देखें तो ये कहते हैं कि 1422 एग्जीक्यूशंस हुए हैं, और कब हुए हैं ये सिर्फ 1953 से लेकर 1963 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ 10 साल में 1422 बहुत ही ज्यादा एग्जीक्यूशंस हुए हैं, ठीक है, और ये सिर्फ 16 स्टेट्स की बात कर रहे हैं, इंडिया के 16 स्टेट्स में ये एग्जीक्यूशंस हुए हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम ऐसे डाटा की बात करें तो देखिए अगर एग्जीक्यूशन हम समझेंगे तो 3000 से लेके 4300 3000 to 4300 एग्जीक्यूशन सिंस इंडिपेंडेंस हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो ऑफिशियल डाटा है वो क्या साइड करता है, तो ये सिर्फ कहता है 60 हमारे हुए हैं, 60 एग्जीक्यूशन हुए हैं। देखिए अगर हम इंडिया का स्टैंड, इंडिया की बात करें और इंडिया जो है उनका स्टैंड क्या था यूएन में, तो हम समझेंगे कि इंडिया दिसंबर 2007 में वोटेड अगेंस्ट इन यूएनजीए, यूनाइटेड जनरल असेंबली में उन्होंने अगेंस्ट में वोट किया, और जो किसके अगेंस्ट में, मॉरिटोरियम ऑन द डेथ पेनल्टी, की डेथ पेनल्टी को हम हॉल्ट नहीं कर सकते, उसको होल्ड नहीं कर सकते। अगेन नवंबर 2012 में इंडिया ने फिर से जो है उसके अगेंस्ट वोट किया कि हम जो है डेथ पेनल्टी पे बैन नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डेथ पेनालिटी एंड आर्टिकल 21 क्या है ये। तो देखिए अगर हम 1973 का केस देखें, जगमोहन सिंह वर्सेस यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो इस केस में, इस विवाद में कहा गया है कि मृत्यु दंड को असंवैधानिक बताया गया है, इसको चुनौती दी गई है, बचाव पक्ष द्वारा यह कहा गया है कि मौत की सजा जो हमारा संविधान है उसके आर्टिकल 14, 19 और 22 में दिए गए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसका उल्लंघन करता है। तो कौन कौन सा हमारा आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 22, इसमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको जो है वायलेट करता है। क्या वायलेट करता है? कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड, ठीक है, मृत्यु दंड। देखिए आर्टिकल 14 की बात करें तो क्या है, आर्टिकल 14 जो है उसमें है विधि के समान, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण का प्रावधान, ठीक है, विधि के समक्ष समता और संरक्षण का प्रावधान है। आर्टिकल 19 की बात करें तो 6 फ्रीडम्स मेंशन है वहां पे, ठीक है, तो आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स हमारे हैं। आर्टिकल 20 को देखें तो लोगों के जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 में, लेकिन अगर इसी आर्टिकल को हम उसके दूसरे भाग को हम समझें तो ये मिलता है कि कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए विशेष परिस्थितियों में जीवन का अधिकार समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। देखिए कंडीशन समझिएगा, 21 में क्या है
कि पहला तो हमारा क्या है, पहला हमारा क्या है, कानून की प्रक्रिया द्वारा, कानून, कानून की प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, विशेष परिस्थितियों में, ठीक है, विशेष परिस्थितियों में। तो दो चीजें ध्यान रखिएगा, पहली बात तो कानून की प्रक्रिया द्वारा और दूसरी बात है विशेष परिस्थितियों में, ठीक है। एबनॉर्मल कोई स्पेशल कंडीशन है तभी ये चीज हो सकती है, तभी हम किसी के जीवन को समाप्त कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं आर्टिकल 21, ठीक है। 21 क्या कहता है, 21 हमें जो है राइट टू लाइफ देता है। आर्टिकल 21 इंश्योर्स फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी फॉर ऑल द पर्सन, ठीक है। इट एड्स नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ ऑन पर्सन लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। अगर जब तक कि लॉ का प्रोसीजर एस्टैब्लिश नहीं गया है तब तक किसी व्यक्ति को उसकी जान, हम उसकी जो लाइफ है उसको हम नहीं छीन सकते, ठीक है। ये हो गया। देयर इज अ प्रोसीजर विच इज फेयर एंड वैलिड, इफ अगर कोई ऐसा प्रोसीजर है जो फेयर है और वैलिड है, ठीक है, फेयर भी होना चाहिए और वैलिड भी होना चाहिए, तभी जो हम किसी की लाइफ को छीन सकते हैं, ठीक है। देन स्टेट बाय फ्रेमिंग द लॉ कैन डिप्राइव द पर्सन ऑफ हिज लाइफ। तो दो चीजें यहाँ पे भी हो गई, पहली बात तो क्या, प्रोसीजर अगर है, इफ देखिए यहाँ पे लिखा है, कोई ऐसा प्रोसीजर है नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब लाइफ को हम छीन ही नहीं सकते। अगर कोई प्रोसीजर है तो इट शुड बी फेयर एंड वैलिड, इस पे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रोसीजर फेयर और वैलिड होना चाहिए, और तब स्टेट जो है लॉ बनाकर किसी की लाइफ को छीन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहता है, इट कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड इट वुड कीप द डेथ पेनल्टी इन द स्ट्रेचर बुक टू एक्ट एज अ डिटरेंट, ठीक है। तो देखिए डिटरेंट की तरह इस डेथ पेनल्टी को ये लेता है, ठीक है, या ऐसा जो है कभी ऐसा हो कि जो है कोई पर्सन इंडिविजुअल सोसाइटी के लिए थ्रेट हो जाए, ठीक है, उसके पहले उसको जो है एक दंड दिया जाए जिससे डिटरेंस क्रिएट हो ताकि वो सोसाइटी को सेफ रखने में गवर्नमेंट मदद कर सके, यानी कि सोसाइटी के लिए कोई थ्रेट ना बन पाए, ठीक है। ये हो गया। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट भी अपहेल्ड करती है कि जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अगर हम डेथ देते हैं, किसी को फांसी की सजा सुनाते हैं, तो वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसकी, ठीक है, बट ओनली इन द केस ऑफ, हम कब कर सकते हैं, इन द केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ठीक है, ये वाला जो है हमारा होना चाहिए। देखते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या रूल है, ठीक है, व्हाट हैज द सुप्रीम कोर्ट रूल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द डेथ पेनालिटी, ठीक है। तो डेथ सेंटेंस के केस में सुप्रीम कोर्ट का रूल हम देखेंगे क्या है। तो देखिए इसमें क्या है कि जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973, याद रखिएगा, जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973 में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 डेप्रिवेशन ऑफ लाइफ इज कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल, ठीक है, लाइफ को छीनना भी हमारे संविधान के अनुसार जो है ये क्या है, परमिसिबल है, परमिशन है इसकी, इफ इट इज डन अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, याद रखिएगा। ये अगर हम प्रोसीजर देखिए, ये सब चीजें आपके पीटी मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी कोट कर सकते हैं या एग्जाम में आपको सीधे पूछ सकता है कि किस जो है कब किस बाद में ये कहा गया था। तो ये जो है अगर हम जो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, अगर हम कोई लॉ के द्वारा कोई प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर देते हैं तो इट इज नॉट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक नहीं है, तब हम आर्टिकल 21 के अंदर किसी की लाइफ को छीन सकते हैं। दूसरा केस आता है राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1979 का केस, ठीक है, 1979 का केस क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है यहाँ पे, इफ अ क्रिमिनल जियोपार्डाइज सोशल सिक्योरिटी देन हिज एंजॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट मे बी राइटली एनहिलेटेड, ठीक है। देखिए अगर कोई व्यक्ति, कोई क्रिमिनल जियोपर्डाइज कर देता है, यानी कि स्टेक पे रख देता है सिक्योरिटी, किसकी, समाज की, समाज की सिक्योरिटी को स्टेक पे रख के कोई काम कर रहा है, तो उसका जो फंडामेंटल राइट है उसका, उसको जो है हम क्या कर सकते हैं, उसको हम नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, एनहिलेट कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये किसमें कहा गया, ये जो है राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1979 का वाद है, केस है, इसमें कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए ये हमारा है आपका डेथ पेनल्टी।
और उसके ऊपर डिबेट, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी कंट्रीज हैं हमारी, लगभग 170 कंट्रीज हैं जिन्होंने डेथ पेनल्टी जो है अब बंद कर दिया है, एबॉलिश कर दिया है, या एटलीस्ट मॉरिटोरियम उसके ऊपर लगा दिया गया है कि, और बहुत सारी ऐसी भी कंट्रीज हैं जो 10 इयर्स के लिए, 10 इयर्स से ज्यादा हो गए उन्होंने कोई डेथ पेनल्टी अवॉर्ड नहीं किया अपने यहां, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का हमने दो केस देखा, नेक्स्ट हमारा है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 केस। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 क्या है इसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोपाउंडेड द डिक्टम ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, याद रखिएगा ये क्या है, क्योंकि यहीं पे जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो केस है उसका डिक्टम जो है यहाँ पे बनाया गया था। क्या है? बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1980। According to which death penalty is not to be awarded except in the rarest of the rare case when the alternative option is, देखिए अगर कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन अनक्वेश्चनेबली कोई प्रेजेंट है तो हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, अदरवाइज हम कोई और ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है मच्छी सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, मच्छी सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें क्या है? देखिए सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन द सर्टेन कंसिडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग वेदर अ केस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस और नॉट, ठीक है। अब देखिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कब आया था? बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कौन सा केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में फॉल करता है, ये कब आया था? ये मच्छी सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में आया था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब देखिए अगर हम कुछ और समझें तो कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचार व्यक्त किए थे किसके बारे में? डेथ पेनल्टी के बारे में, ठीक है, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें क्या था कि यहाँ पे एक तरफ जस्टिस कुरियन जोसेफ थे, ठीक है, इन्होंने मृत्यु दंड समाप्त करने के पक्ष पे अपना मत दिया था। कौन? जस्टिस कुरियन जोसेफ, ठीक है, इन्होंने कहा था कि डेथ पेनल्टी को एबॉलिश कर दिया जाए। वहीं पे दूसरी तरफ देखें तो दो और जो है जजेस थे, दो और जजेस थे, कौन थे ये? जस्टिस दीपक गुप्ता और दूसरे थे जस्टिस हेमंत गुप्ता, ठीक है। तो जस्टिस दीपक गुप्ता और हेमंत गुप्ता ने कहा था कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, ठीक है, क्या कहा? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में डेथ पेनल्टी को अवॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने इसके पक्ष में अपना मत जताया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हम डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करेंगे, और दूसरे केस में जो है जस्टिस आपका जो कुरियन जोसेफ है उन्होंने डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में उन्होंने अपना मत दिया, ठीक है। अगर हम समझें आगे देखते हैं, देखिए आगे हमारा है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस डॉक्ट्रिन क्या है, ठीक है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस क्या है? तो देखिए देर आर वेरियस सेक्शंस अंडर आईपीसी, ठीक है, हमारा इंडियन पीनल कोड है, इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, 302, 376A, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे जो है हम देखेंगे, बहुत सारे हमारे रूल्स हैं, ठीक है, या जो है आपके स्ट्रेचर हैं जहां पे डेथ सेंटेंस के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल 1983 दैट द डेथ पेनल्टी शुड बी इम्पोज ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस वाइल स्टेटिंग ऑनर किलिंग फॉल्स विद इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, ठीक है। तो अगर ऑनर किलिंग करता है कोई, ठीक है, तो ये भी जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में है, या फिर जो है फेक या ब्रूटल एनकाउंटर किया जाता है तो भी जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में है ये, ठीक है। तो ये जो है, और कौन करेगा ये पब्लिक, ऑब्वियसली जो एनकाउंटर्स है वो क्या पुलिस ऑफिसियल करते हैं, तो पुलिस ऑफिशियल्स जो है ये आपका, ये भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आता है, ठीक है। तो ये आपका जो है डॉक्ट्राइन है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का। इसके अलावा अगर हम समझे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करती है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, ठीक है, क्या है वो? जैसे जैसे हमारा हो गया मर्डर, फिर क्या है रेप विद इंजरीज, ठीक है, मतलब इंजरीज अगर ऐसी इंजरी हो या तो डेथ हो जाए या फिर मेंटल रिटार्डेशन, तो ये भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आएगा, ठीक है। रिपीटेड ऑफेंडर है, ठीक है। वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट, टेररिज्म की कोई एक्टिविटी,
टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस, ये सब जो है हमारा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लॉज अदर देन द आईपीसी फॉर कैपिटल पनिशमेंट। कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो आईपीसी के अलावा भी हैं, जैसे हमारे सीरीज ऑफ लेजिस्लेशन है, ठीक है, जो है पार्लियामेंट हमारी इनेक्ट करती है, यहाँ पे और प्रोविजन हैं, ठीक है, डेथ जो है हमारी पेनल्टी के लिए। तो पहला हमारा क्या है, फर्स्ट इज कमीशन फॉर सती, ठीक है, कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 पार्ट 2 सेक्शन 41, ठीक है, कमीशन ऑफ सती हो गया। ठीक है, और क्या है, और हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटीज एक्ट 1989 सेक्शन 321, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है ये आपका डेथ पेनल्टी यहाँ पे अवॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, और क्या हो सकता है, और हमारा हो सकता है आर्म फोर्स, एयर फोर्स, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, ठीक है, ये भी जो है सीरियस ऑफेंसेस के लिए जो है डेथ पेनल्टी जो है ये दे सकते हैं। अगर आप समझे, देखिए 12 दिसंबर को, 16 दिसंबर को, इवन 16 दिसंबर को एक घटना होती है हमारा 2012 में निर्भया रेप केस का, ठीक है, यहाँ पे एक फिजियोथेरेपी की एक स्टूडेंट होती है, उनके साथ बस में पांच आदमियों ने मिलकर गैंग रेप किया। ठीक है, 7 साल के बाद जो कन्विक्ट होते हैं उनको फांसी की सजा दी गई। तो देखिए कितना लंबा गैप है, 7 ईयर्स का गैप, 7 साल के बाद उनको फांसी की सजा, उनको हैंग किया जाता है। और इस पे जो है बहुत ही मिले जुले जो है आप राय सामने आते हैं, क्या होता है, जो यूएन है, यूएन का क्या कहना है, यूएन ने कहा कि आर पोजिशन इज क्लियर, हमने अपना जो पोजिशन है वो क्लियर कर दिया है, इट इज दैट वी कॉल टू हॉल्ट द यूज ऑफ द कैपिटल पनिशमेंट और एट लीस्ट पुट अ मॉरिटोरियम ऑन दिस। ठीक है, उन्होंने कहा कि सारे स्टेट से हमने ये कह दिया है कि डेथ पेनाल्टी को बंद करो या फिर उसके ऊपर मॉरिटोरियम लगा दो। ठीक है, हम उसको जो है आपको सपोर्ट नहीं करते डेथ पेनाल्टी के केस में। दूसरी चीज अगर हम देखें, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट, ये एक एनजीओ है, उनका भी कहना है, उनका भी जो है उन्होंने कंडेम किया जो 4 लोगों की हैंगिंग हुई इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे मिले जुले राय देखने को मिले लोगों के। केजरीवाल जी ने कहा कि काफी टाइम से इसका इंतजार था और फाइनली जो है जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो लेट तो आया लेकिन ठीक है, दुरुस्त आया। ठीक है, ऐसे स्मृति ईरानी ने भी जो है इसके सपोर्ट में बात की। स्मृति ईरानी ने भी कहा कि जो है थोड़ा काफी लेट हुआ लेकिन जो है जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमें जो है एक निर्णय अच्छा देखने को मिला। सुष्मिता सेन जी का भी आया, बॉलीवुड से भी लोग अपनी राय दे रहे थे, उन्होंने कहा कि निर्भया की जो माता जी है उनकी इतनी लंबी लड़ाई है वो जो है आज जाके खत्म हुई। ठीक है, ऐसे जो हैदराबाद में जो केस हुआ था, देखिए आप क्या होता है ना कि हमारा अगर जस्टिस सिस्टम बहुत डिले होता है तो उसका यही रिजल्ट आता है। अब हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है कि अगर ऐसा कोई केस आ जाता है तो बहुत ही लंबा एक टाइम ले लेता है। ठीक है, और उस लंबे टाइम लेने की वजह से जो जनता होती है वो जो है डिमांड करने लगती है कि ऑन द स्पॉट हमें जो है उसका डिसीजन चाहिए, कि जो अगर कोई ऐसा जघन्य अपराध होता है तो उसका जो है ऑन द स्पॉट आप उसको निपटारा करें। ठीक है, ये लोगों के अंदर, क्योंकि एक जो है लोगों के अंदर एक ऐसी वेव जो है हो जाती है ना कि इतना बड़ा क्राइम, और ह्यूमैनिटी के अगर आप देखें, ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर इंसान जो इससे कहीं ना कहीं जो है दुखी होता है। ठीक है, तो ये चीज, ये डिमांड जो है हो जाती है। तो क्या होता है कि हैदराबाद के केस में आपने देखा कि पुलिस ने जो है एनकाउंटर कर दिया था। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये एनकाउंटर कहां तक आप सही इसको ठहरा सकते हैं। ठीक है, एक केस और हुआ था यूपी में, आप देखेंगे यूपी में एक दुबे का केस था। ठीक है, उसमें जो है पुलिस का एनकाउंटर हुआ था, तो पुलिस की कई सारी गाड़ियां जो है उसके बाद तो फिर कई सारी गाड़ियां इनकी पलटी। ठीक है, तो वो आप क्या कहेंगे, वो सही था या गलत था? तो 3-4 क्वेश्चंस हैं ये, आपका आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आप जो है इसको आप मुझे बता सकते हैं, और आई विल बी वेटिंग। अगर आपका जो है कमेंट आता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, आप जो है जरूर बताएं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी, क्या आर्गुमेंट हम दे सकते हैं। पहली बात तो आर्गुमेंट हम देते हैं फेवर में रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन मतलब होता है, रिट्रीब्यूशन मतलब होता है ना, कहते हैं कि आपने अगर गलत किया, आपने अगर बोया ही गलत है तो आप काटेंगे वही जो आपने बोया है। ठीक है, मतलब जैसे को तैसा। तो ये कहते हैं, वन ऑफ द की प्रिंसिपल ऑफ रिट्रीब्यूशन इज दैट द पीपल शुड गेट व्हाट दे डिजर्व इन प्रपोर्शन टू द सीवियरिटी ऑफ देयर क्राइम। जिस लेवल का उन्होंने क्राइम किया है उस लेवल का पनिशमेंट भी उनको मिलना चाहिए।
This argument states that real justice requires people to suffer for their wrongdoings and to suffer in the way appropriate for the crime. ठीक है, उनके रॉन्ग डूइंग के लिए उनको सफर करना है और क्राइम भी उसी जो है लेवल का होना चाहिए जिस लेवल का उनका जो है क्राइम था. ठीक है, हमारा जस्टिस सिस्टम भी वैसा ही होना चाहिए. तो ईच क्रिमिनल शुड गेट व्हाट देयर क्राइम डिजर्व्स एंड इन द केस ऑफ मर्डर क्रिमिनल डिजर्व्स डेथ. ठीक है, तो मतलब अगर मर्डर का कोई केस होता है तो क्रिमिनल को जो है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए. ठीक है, एक तो हमारा रिट्रीब्यूशन हो गया. ठीक है, दूसरा हमारा होता है डिटरेंस. क्या है डिटरेंस? डिटरेंस मींस होता है कैपिटल पनिशमेंट इज ऑफन जस्टिफाइड विद द आर्गुमेंट बाय द एग्जीक्यूटिंग कन्विक्ट मर्डरर्स वी विल डिटर मर्डरर्स फ्रॉम किलिंग द पीपल. अगर कोई मर्डरर है और उसको अगर फांसी की सजा दे दी जाती है, उसको जो है हैंग कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं और जो लोग हैं उनके मन में ये चीज जाएगी कि अगर हम ये क्राइम दोबारा करेंगे तो हमको इस तरीके की सजा मिल सकती है. इस डर से वो क्राइम दोबारा नहीं करेंगे. ठीक है, तो इट इज नोन एज डिटरेंस. ठीक है, एक डिटरेंस समाज में क्रिएट होता है. तो दो चीजें हैं जो उसके फेवर में है और स्ट्रांगली ये चीज रखी जाती है कि इस वजह से डेथ पेनल्टी नहीं एबॉलिश कर सकती इंडिया. फर्स्ट इज रेट्रीब्यूशन एंड सेकेंड इज डिटरेंस. नेक्स्ट इज देखिए, अगर हम पूरी थियरी का इसे समझें तो द थ्रेट ऑफ बीइंग एग्जीक्यूटेड इन फ्यूचर विल बी सफिशियंट टू कॉज सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल टू रिफ्रेन फ्रॉम कमिटिंग हीनियस क्राइम्स दे हैड अदरवाइज प्लान्ड. ठीक है, अगर किसी की प्लानिंग है कि हम इस तरीके से मर्डर कर देंगे और या हम ऐसा कुछ कर देंगे और इसकी वजह से जो है ये ऐसा कोई हीनियस क्राइम करते हैं तो उससे डर, सजा के डर से वो क्राइम वो नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये जो है पूरा सेंस था. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारा है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द डेथ पेनालिटी. ठीक है, क्या है इसमें जो स्टैटिस्टिकल जो हमारे डाटाज हैं उसमें जो है हम क्या देखने को मिलता है हमें अगर हम समझे एनसीआरबी. देखिए, एनसीआरबी की अगर हम रिपोर्ट देखें तो हम 2016 से स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे 3.38 लाख, ठीक है, 3.38 लाख क्राइम्स हुए. 17 की बात करें, 2017 की बात करें तो क्राइम जो है वो 3.59 लाख हो गया. 18 पे हम अगर जाते हैं तो ईयर 18 में हम देखते हैं कि 3.78 जो है ये लाख जो है क्राइम बढ़ गया. आप देखिए कंटिन्यूअसली क्राइम का रेशियो जो है वो बढ़ता जा रहा है. ठीक है, और डेथ पेनल्टी भी इंडिया में है. तो जो लोग अगेंस्ट में जो है जो आर्ग्यू करते हैं वो कहते हैं कि डेथ पेनाल्टी होने के बाद भी जो क्राइम का रेट है वो बढ़ता जा रहा है, तो डेथ पेनाल्टी कहां पे डिटरेंस क्रिएट कर रही है. ठीक है, दूसरा एक फेवर में बहुत बड़ी चीज है कि अगर मेंटल इलनेस है किसी को, ठीक है, या कोई डिफेक्ट है तो उस केस में उसको डेथ पेनाल्टी दे दी जाए. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इन सम कैपिटल क्राइम्स. देखो क्या होता है कि कुछ कैपिटल क्राइम्स आर कमिटेड इन सच एन इमोशनल स्टेट दैट द प्रिपरेटर डिड नॉट थिंक अबाउट द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, अगर ऐसा कभी हो गया कि जो डेथ सेंटेंस है, ठीक है, डेथ सेंटेंस है वो किसी ऐसे बंदे को दे दिया गया, ठीक है, जो एक ऐसे इमोशनल स्टेट में था और उसका कोई मतलब कोई इरादा नहीं था कि हमें कोई इस तरीके का क्राइम करना है. मान लीजिए कि अगर मैं हूं, ठीक है, और मेरे घर में मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कि किसी को ब्रेड नहीं है, ठीक है, रोटी नहीं है खाने को, और उसकी वजह से अगर मुझसे कोई ऐसी गलती हो जाती है, ठीक है, गलती से गलती हो जाती है, तो उस केस में वो ऐसे इमोशनल स्टेट में कोई रहता है और उसको फांसी दे देना ये जो है कहीं ना कहीं सही नहीं होता है. ठीक है, तो एक तो हमारा ये हो गया. दूसरा हमारा क्या है, डेथ हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन रेप केसेस सिंस 2013, स्टिल रेप कंटिन्यू टू हैपन. इन फैक्ट द ब्रूटेलिटी ऑफ द रेप हैज इंक्रीज्ड मेनीफोल्ड. ठीक है, 2013 से रेप के केस में जो है फांसी की सजा दी जा रही है, लेकिन अभी भी हम देखें तो रेप का जो केस है वो घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ता चला जा रहा है और ब्रूटेलिटी जो है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो हम फिर से वहीं पे आ जाते हैं कि क्या डिटरेंस क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से, कि फांसी अगर दी जा रही है तो उससे कोई फायदा है, कोई डिटरेंस क्रिएट हो रहा है क्या, जो क्रिमिनल्स है उनके मन में कोई भय उत्पन्न हुआ. ठीक है, दिस कंपेल्स वन टू थिंक ऑफ द डेथ पेनल्टी इज एन इफेक्टिव डिटरेंस टू क्राइम. ठीक है, ये मजबूर कर देता है हमें सोचने के लिए
कि क्या डेथ पेनल्टी डिटरेंस क्रिएट करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ इनोसेंट। कभी कभी क्या होता है कि इनोसेंट जो लोग होते हैं उनका भी एग्जीक्यूशन हो जाया करता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट इज दैट सूनर और लेटर इनोसेंट पीपल, जो इनोसेंट लोग होते हैं, मे गेट किल्ड बिकॉज ऑफ द मिस्टेक और फ्लॉज इन द जस्टिस सिस्टम। क्या मिस्टेक हो सकती है? मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई हो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि जो इन्वेस्टिगेटर हो उसका साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है उस टाइम, हो सकता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सही ना समझ पाया हो। या फिर आप ये देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोज किया, अगर ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और ये जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का डाटा है, उन्होंने जो है 60 डेथ पेनाल्टी दिया बिटवीन 2000 to 2015। ठीक है, 15 साल में 60 जो है डेथ पेनाल्टी दिया, उसमें से अगर हम एरर देखें तो सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि 15 जो है इसमें से एरर निकले, 60 में से 15 जो है एरर थे। सुप्रीम कोर्ट को खुद जो है उन्होंने कहा कि 15 जो है गलत दे दिया गया। तो ये जो डिसीजन था अगर एग्जीक्यूट हो गया होता तो 15 लोग की जान चली गई होती और पता नहीं कितने लोग की जाती होगी। ठीक है, तो आप 15 को देखें तो अगर इसको परसेंटेज में अगर हम देखें तो 25% जो है डिसीजन जो है गलत था। ठीक है, जजमेंट गलत था। ठीक है, और एक ये कहावत है कि डेथ पेनल्टी अनफॉर्चुनेटली टारगेट्स द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड, जितने भी मार्जिनलाइज होते हैं, मतलब दोज विदाउट द कैपिटल गेट द कैपिटल पनिशमेंट, जिनके पास कैपिटल नहीं होता उन्हीं को कैपिटल पनिशमेंट मिल जाया करता है अक्सर। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसका भी यही कहना है कि जो है डेथ पेनल्टी को एलिमिनेट कर देना चाहिए। डेथ हैज बीन एबॉलिश्ड एज फॉर फ्रॉम फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। यूएन सेक्रेटरी जनरल की अगर रिपोर्ट हम देखें तो कहते हैं कि ह्यूमन राइट काउंसिल हेल्ड दैट सम 170 स्टेट्स हैव बीन एबॉलिश्ड और इंट्रोड्यूस्ड अ मॉरेटोरियम ऑन द डेथ पेनालिटी और हैव सस्पेंडेड एग्जीक्यूशंस फॉर मोर देन 10 इयर्स। डेथ पनिशमेंट डज नॉट रिहैबिलिटेट द प्रिजनर एंड रिटर्न देम टू सोसाइटी। ठीक है, ये एक बार किसी को मृत्युदंड मिल गया तो दोबारा कहाँ वो, उसको चांस नहीं मिलता कि वो रिहैबिलिटेट हो जाए, उसको कोई चांस नहीं मिलता कि वो वापस जो है संसार में, दुनिया में, सोसाइटी में आके फिर से जो है अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सके। ठीक है, तो ये जो है आर्गुमेंट देते हैं जो लोग इसके अगेंस्ट होते हैं। अब देखिए, इंडिया में अगर हम डेथ पेनाल्टी की बात करें तो किसको किसको डेथ पेनाल्टी दिया जाता है, हमने अभी देखा था। तो देखिए, यहाँ इंडिया में जो मृत्युदंड है वो केवल शासन सत्ता द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कोई भी डेथ पेनाल्टी किसी को नहीं दे सकता। दूसरा है भारतीय दंड संहिता जो है, उसके साथ साथ भारतीय संसद द्वारा कानूनों की बहुत बड़ी श्रृंखला है, उसमें मौत की सजा का प्रावधान है, अभी हमने इसको कवर किया है। अब एक चीज और है कि किसको डेथ सेंटेंस नहीं दिया जा सकता इंडिया में। तो देखिए, पहला तो हमारा है जो 15 ईयर्स से जो कम बच्चे हैं, ठीक है, इनको नहीं दिया सकता। दूसरा क्या है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है, गर्भवती महिलाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मानसिक रूप से, ठीक है, मानसिक रूप से जो अस्वस्थ हैं या विक्षिप्त हैं, ठीक है, इनको भी डेथ सेंटेंस नहीं दिया जा सकता। या फिर जो जिनकी एज 70 इयर्स से जो है अधिक है, ठीक है, अधिक है, इनको डेथ सेंटेंस नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए, डिटरेंस इज द मोस्ट इफेक्टिव, डिटरेंस इज द मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द पनिशमेंट हैपेंस सून आफ्टर द क्राइम। ठीक है, डिटरेंस, डर तभी मन में तब तक रहेगा, फांसी देने से डर नहीं बनेगा, डर तभी रहेगा जब जैसा ही क्राइम हो रहा है आप उसको पनिशमेंट दीजिए, उसको जो है ट्रायल को बहुत फास्ट करिए। तो ये बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ देखिए 7 साल 10 साल 20 साल जो है लटकी रहती है और लोगों की लाइफ खत्म हो जाती है। तो ये जो है आपका कब होना चाहिए, तो फास्टर जो है हमारा ट्रायल होना चाहिए। दूसरा क्या है, द मोर द लीगल प्रोसेस डिस्टेंस फ्रॉम द पनिशमेंट फ्रॉम द क्राइम, उतना ही जितना ही जो हमारा लीगल प्रोसेस है वो डिस्टेंस मेंटेन करेगा पनिशमेंट देने के लिए, जितना ही ज्यादा गैप करेगा उतना ही जो है क्राइम बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ये चीज हो गई। इंडिया अवेटेड एग्जीक्यूशन ऑफ निर्भया रेपिस्ट, देखिए हमने देखा 7 ईयर्स का टाइम लग गया, 7 साल, तो लोगों के मन में डिटरेंस कहां से होगा, लोग सोचेंगे कि चलो ठीक है जो क्राइम हो रहा है वो हो रहा है, हो सकता है बच ही जाए, हो सकता है कि इसमें से स्केप कर जाए, और हो सकता है पता नहीं कब मिलेगा इंडिया में, 15 साल 20 साल,
ठीक है, तो ये जो है मन में उनके डर नहीं हो पाता। अब क्या है, दिस इज द रीजन व्हाई द हैदराबाद पुलिस एनकाउंटर इन दिशास केस वाज हेल्ड बाय लार्ज पॉपुलेंस। क्या करने की जरूरत है हमें, एक्सपेडाइट करने की, इसको फास्ट तेज करने की जरूरत है। इन्वेस्टिगेशन एट द हैंड ऑफ द वेल ट्रेन एंड इक्विप्ड पुलिस सिस्टम। तो हमारा एक तो ट्रेनिंग और वेल इक्विप्ड पुलिस सिस्टम होना चाहिए, पुलिसिंग हमारी सही होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक ट्रायल्स होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन काफी अच्छे तरीके से प्रॉपरली ट्रेन तरीके से किया जाना चाहिए। तो ये सारे मेजर्स हो सकते हैं, ठीक है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फरवरी 2013 में जस्टिस राधा कृष्णन, ठीक है, इनका कहना था कि जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर रेयर क्राइम है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द जजमेंट ऑफ द जज। ठीक है, जज के जजमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जज क्या कहता है, ओनली इन दोज केसेस वेयर द सोसाइटी एज अ होल थिंक दैट इट इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। ठीक है, सोसाइटी के ऊपर होना चाहिए, सोसाइटी क्या कहती है कि ये केस जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आता है या नहीं। ठीक है, जजेस को सुनना चाहिए, जजेस विल हैव टू लिसन द कंसेंसस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का क्या कंसेंसस है, जजेस को सुनना होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका जस्टिस राधा कृष्णन का एक व्यू था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यू था। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बिग अब बैरियर्स क्या हो सकते हैं, कैसे हम जो है ये जो हमारे क्रिमिनल्स हैं या फिर जो रेप केसेस हैं या जो हीनियस क्राइम्स हैं उनको कैसे हम रोक सकते हैं। तो बिगेस्ट बैरियर ऑफ द जस्टिस ऑफ द रेप हैज बीन द लैक ऑफ द विटनेस प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है, पहली बात तो जो बैरियर होता है, सबसे ज्यादा बैरियर बड़ा क्या है कि विटनेस प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है। ठीक है, जो विटनेस है वो डरते हैं, ठीक है, लोग डरते हैं और कभी कभी विटनेस को मार दिया जाता है। दूसरा है लैक ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन। ठीक है, कोर्ट्स में जो है क्या होता है कि इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो विमेन होती हैं वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। ठीक है, तो जेंडर सेंसिटाइजेशन भी जस्टिस सिस्टम में जरूरी है लाना। दूसरा क्या है, लैक ऑफ टाइमली मेडिको लीगल एग्जामिनेशन, ये भी होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कोई केस हो रहा है और आपने देखा आप ये चीजें क्या है कि बायोलॉजी में आ जाती हैं कि आपका क्या है कि कुछ चीजें होती हैं जो हमारे जैसे सीमेंस हो गया या कुछ ऐसी चीजें हो गई जो उसका एक टाइम फ्रेम होता है, उसके बाद अगर आप उसको जो है टेस्ट करते हैं, उसको देखते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। और किस तरीके से जो मेडिकल हमारा होता है, अगर आप समझेंगे कि किस तरीके से जो है जांच होती है, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं उसको सुधार की जरूरत है और ड्रेस्टिक जो है उसमें सुधार की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे लेंथी ट्रायल पीरियड्स ड्यू टू द ओवरबर्डन जजेस एंड कोर्ट्स। तो ये जो है इसको इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, फास्ट ट्रायल कराने की जरूरत है, तभी हम डिटरेंस क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ हैंगिंग से हम डिटरेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो ओवरबर्डन जो हमारे जो जजेस हैं वो फाइल के उन जो है लदी होती है पूरी फाइल्स, उसको कम करने की जरूरत है, और जो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसके लिए अलग जो है कोर्ट्स लगाने की जरूरत है, ताकि जो केसेस हैं उनका ट्रायल है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। ठीक है, तभी हम सोसाइटी में डिटरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पूरा हमारा टॉपिक था जो हमने कवर किया, आई होप आपको जो है अच्छा लगा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके अपने व्यूज बता सकते हैं कि आपका क्या व्यू है इस टॉपिक के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।